हेलो दोस्त, आरआरसी कोलकाता एसीआर का एक और अपडेट फिर से ज्वाइनिंग प्रोसेस स्पीडअप का। तो ये तो पहले से अनुमान था, पहले बैच को हमेशा लाभ मिलता है। तो 1500 कैंडिडेट को मिला था, उनमें से हमने कहा था कि यूआर के लोग हैं। हालांकि डाटा दिख रहा है जिसमें डिटेल दिया है, थोड़ा बहुत यूआर के बाहर भी है। 1100-1150 यूआर का दिया हुआ है, तो मैक्सिमम डाटा यूआर का ही लग रहा था। वो डिटेल दिख रहा था यूआर का, किस लिए, क्योंकि जो पोस्ट थी यूआर का उसी के आसपास का ये सिलेक्शन था। तो यूआर के अलावा पैनल में कुछ कैंडिडेट हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार इनका, जो इनका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है। तो हमने वीडियो जो बना के आपको बताया था, उसमें हमने जब पैनल की डिटेल एनालिसिस कर रहे थे, उस समय हमें यहाँ पे दिख रहा था कि जो कैंडिडेट का पैनल जारी हुआ है अभी, वो करीब करीब यूआर के लिए ही हुआ है। ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट दोनों को मिनिमम कैंडिडेट शिफ्टिंग इन यूआर कटअप वगैरह से करके हमने पैनल पे पहुँचे थे। तो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में मुझे दिख रहा था 1500 कैंडिडेट है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, टोटल कैंडिडेट ये दिया हुआ था, हमने दिया था 275, 90 SC, 10 ST, 1012 आपके OBC और 113 EWS। ये सारा डाटा सही है, कोई गलत नहीं है। बस इसमें से ये है कि 1500 में से 1200 के 1100 प्लस कैंडिडेट UR में है, बाकी कैंडिडेट को दिया है कोई और पोस्ट में। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट से उठाया हुआ पैनल हो सकता है थोड़ा बहुत, जिसके कारण से सेम डे में यूआर के साथ और कैंडिडेटों का होगा, उनको भी उठा लिया है पैनल में। तो ये डाटा तो बिल्कुल सही है। इस डाटा के हिसाब से अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जो प्रोविजनल पैनल अलॉटमेंट हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, जो डिवीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन है, 1500 कैंडिडेट नॉन PWD का, इसमें आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची और KGPWS के लिए ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें 1100-1150 कैंडिडेट UR शो हो रहा है। SC का 60 हो रहा है, ST का 6, 224 OBC का और EWS का 61 हो रहा है। टोटल 1500 ही कैंडिडेट है। हालांकि ये अलग अलग डिवीजन की अलग अलग जहां रिक्वायरमेंट है वैसा ही इन्होंने पोस्ट किया है। तो ये पर्पस आप देख रहे होंगे कि जो हमने बोला था UR का सिलेक्शन है, तो UR आपको दिख रहा है कि सारा UR का ही मैक्सिमम लोग थे, कम्युनिटी का कोई पैनल नहीं आया है। ये हो सकता है कि सेम डेट में ये DB इनकी रही होगी इन UR के साथ में, इसलिए कटअप DB के डेट से ले लिया, उठा लिया, इसलिए पैनल में आ गए होंगे। एक और दूसरा देखिए, 1147 कैंडिडेट UR का नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि UR के 1147 हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको PT में जाना पड़ेगा। PT में जब जाएंगे तो यहाँ जो PT के लिए क्वालिफाई किए थे टोटल कैंडिडेट जो आपका PT में, वो UR के मात्र 1158 थे जो CBT के बाद। उसके बाद जब PT का हुआ रिजल्ट, उसमें 563 फेल हो गए, 595 कैंडिडेट ही UR के PT क्वालिफाई थे। तो उसमें से भी जो DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब लिस्ट आया PT क्वालिफाई में सबका, PT क्वालिफाई के बाद, तो कम्युनिटी बाई DB में जो कैंडिडेट गए थे वो 414 ही कैंडिडेट UR के जा पाए थे, बाकी कैंडिडेट 515 में 181 बच गए थे। तो 1187 नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि ये कैंडिडेट 275 जो शो हो रहे हैं UR का, यानी 1141 में 275 आपके UR के, बाकी कैंडिडेट जो है वो सारा OBC वाले मैक्सिमम है, क्योंकि OBC के 1000 प्लस कैंडिडेट थे, बाकी EWS के भी हैं, AC के भी हैं, और दो कैंडिडेट ST का भी दिख रहे हैं जो UR में क्वालिफाई है अभी तक के जो पैनल शामिल हुआ है। हालांकि यहाँ पे UR में 1500 वैकेंसी नहीं है, 1900 के आसपास वैकेंसी है। तो अभी UR के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए 1547 केवल CCA घटाने के बाद, और CCA नहीं घटाएंगे तो 1933 वैकेंसी है। तो 1933 वैकेंसी भरने के लिए अभी भी बहुत सारे UR की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी पैनल जारी हो गया, तो पूरा आपको डिटेल से एक चीज़ दिखेगा, स्पीडअप तो हो चुका है। जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग देने के चक्कर में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई डेट एक उठा लिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन UR से शुरू हुआ, यानी अच्छे कैंडिडेट को पहले बुलाया जिनका नंबर ज़्यादा था, वहाँ से उठाया, उनको ये हो गया। तो क्या इनको अब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगी, ये सवाल उठता है। तो देखिए पहला पे हमेशा बेनिफिट भी होता है इनको, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह सबसे टाइम मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सैलरी का गैप 1 साल 6 महीने से 1 साल तक बाकी लोगों से हो जाती है। पहले बैच में हर जगह लगभग खाली सीटें होती है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है, और उसमें अभी इस बार रोजगार मेला भी देख रहे हैं जिसके कारण से इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। लेकिन जो कैंडिडेट अभी दूसरे बैच या तीसरे बैच में आएंगे उनकी पहले प्रोसेस होगी धीरे धीरे। अभी देखा है कि सेकंड DB के लिए इन्होंने बोला है मई 2021 के शुरुआत में, अप्रैल 2023 के शुरुआत में, फर्स्ट वीक में करेंगे।
और जो कैंडिडेट का डीबी हो गया उनका भी पैनल जारी होने में एक दूसरे पैनल में हो सकता है 10 दिन डिले हो जाए या 15 दिन डिले हो जाए और रोजगार मेला में नहीं शामिल हो तो उस पर प्रायोरिटी नहीं रहता, जिसके कारण से दोनों का गैप होगा। अगर मान लीजिए 6 महीने भी कोई ज्वाइन कर लिया तो अगर मिनिमम 35,000 भी मिलते हैं तो आप 35,000 को 6 से अगर गुना करते हैं तो ये करीब करीब 2 लाख के आसपास हो जाता है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इसको आप सेविंग कर लीजिए अभी शुरुआत के दिनों में तो ये 2 लाख रिटायरमेंट के समय बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कुछ लोगों को नहीं लगता कि पहले, लेकिन इसमें हर चीज़ कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, मेडिकल करा सकता है, लेकिन रेलवे का प्रोसेस ऐसा है कि देखिए किसी को जल्दी मौका किसी को नहीं। हाँ, जिनकी टेक्निकल इशू रह गई उनको सुधार किया जा सकता था, किन्हीं का डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं था, किसी का नाम का स्पेलिंग नहीं था, जबकि सब कुछ सबको मालूम था कि इसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन किसी के साथ बायोमेट्रिक का मिसमैच हो गया, वो दुर्भाग्यवश से किसी का कोई और इशू आ गया, ये सब चीज़ें टेक्निकल इशू के कारण से वो पीछे हो जा रहे हैं, जो गलत है। लेकिन इसमें 80 से 90% जो पीछे होने का कारण है वो रेलवे के पास है, क्योंकि वो पूरा पैनल कभी देता ही नहीं एक बार में, ये भी एक इशू है। थैंक यू, धन्यवाद।